अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट वो पढ़ लिया था, लेकिन अब हमने फिशिंग बाबून का जो सेकंड हमारा है लेक्चर, तो उसको देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि जब हमने पहले इसके लेक्चर में देखा तो उसमें हमने उसकी पर्सनालिटी में हमने एक तब्दीली देखी थी कि वो पहले कैसा था, फिर बाद में उसका कैसे बिहेवियर चेंज हो जाता है। और अब जो है हमने पैराग्राफ 4 पढ़ना है और देखते हैं इसमें क्या होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इट वॉज रियली लॉन्ग इन कमिंग When the flood disappeared from the view and the lion jerked violently in his hand, he was come to life instantly. It was really long in coming. मतलब ये कि आने में शाज़ो नादिर ही तवील था। जब फ्लोट देखने से गायब हो गया और लाइन उसके हाथ में जो है पुरतशद्दुद यानी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से वो जो है वो झटका देगी, तो वो फ़ौरन ही ज़िंदगी में आ जाएगा। वायोलेंटली बहुत ही ज़ोर से जर्क झटका देगी, इन हिज हैंड ही वुड कम टू लाइफ इंस्टेंटली। इंस्टेंटली कहते हैं फ़ौरन, तो वो फ़ौरन ही ज़िंदगी में आ जाएगा। अ लार्ज ट्रम्पेट हु, तो वो एक बहुत बड़ी फातिहाना आवाज़ हु निकालेगा। वुड बर्स्ट फ्रॉम हिट एंड ही वुड विन द लाइन इन रैपिडली हैंड ओवर हैंड अंटिल द फिश ले गैस्पिंग इन द बॉटम ऑफ द कैनॉय। तो वो एक फातिहाना बुलंद आवाज़ हु वो निकालेगा, इससे फट जाता और वो तेज़ी से हाथ में धागा समेटता, यहाँ तक कि मछली कैनॉय के निचले हिस्से में हाँपती रहती। गास्पिंग, हाँपना, इन द बॉटम ऑफ द कैनॉय, कैनॉय के निचले हिस्से में। लावल वुड नेवर एक्चुअली टच इट हिमसेल्फ, और लावल इसे कभी भी बजाते खुद इसको टच नहीं करता था। एन अर्ली एक्सपीरियंस रिजल्टिंग इन अ होक बीइंग एम्बेडेड इन हिज फ्लैश had convinced him that all fish were equipped with barbed iron fangs. अभी एक्सपीरियंस, क्योंकि उसके इब्तदाई तजर्बे में जो एक हुक था वो उसके गोश्त में सरयत कर जाता है, चुप जाता है। had convinced him that all fish were equipped, और वो इस बात पर अपने आप को कायल कर लेता है कि जितनी भी ये फ़िश होती हैं वो आयरन फैंग्स, एक मतलब कि मछली का जो खारदार वो उससे लोहे के लिबादे से जो है वो लैस होती हैं, कि उसमें जो है जो जितनी भी मछलियां हैं वो एक खारदार लोहे की मानद होती हैं। क्योंकि जब उसने पहली दफ़ा यानी कि उसका जो एक्सपीरियंस हुआ था उसमें क्या हुआ था कि फ़िश का जो कांटा होता है वो उसके हाथ में लग गया था, तो अब वो ज़रा खौफज़दा हो गया था। नेक्स्ट देते हैं, बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, बट डू हिज कैच, कि उसने अपने कैच के साथ किया है। व्हेन ही हैड इट, जब वो इसको पकड़ लेता था, लेकिन वो जानता था कि उसने अपने कैच के साथ क्या करना है जो उसके पास था। ही केप्ट अ लंप ऑफ वुड बाई हिम इन द कैनॉय एंड ही वॉज यूज दिस टू गुड इफेक्ट। मैथडिकली पॉन्डिंग द अनफॉर्चुनेट फिश अंटिल द लाइफ वॉज एक्सटिंक्ट। जी, तो वो जानता था कि उसने अपने कैच का क्या करना है। उसने कैनॉय में अपने पास लकड़ी का एक गांठ रखा हुआ था। बदकिस्मती से वो मछली पर चोट लगाने तक, उस पर ज़रब लगाने तक, जब तक कि उसकी ज़िंदगी जो थी वो ख़त्म नहीं हो जाती थी, वो उस पर चोट लगाता रहता था। एक्सटिंक्ट, ख़त्म हो जाना। वंस इट स्टॉप्ड मूविंग ही लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन इट, लीविंग द रिमूवल ऑफ द हुक टू अदर्स मोर अडेप्ट। एक बार जब उसका चलना बंद हो गया तो उसने उसमें से सारी दिलचस्पी ख़त्म कर दी। दूसरों पर कांटा हटाना ज़्यादा माहिर हो गया था। हुक टू अदर्स मोर अडेप्ट, दूसरों पर से कांटा हटाने में वो अडेप्ट हो गया था, बहुत ही वो माहिर हो गया था। डोरथी हैड बॉट हिम अ फ्लॉपी सन बॉनेट टू वेयर व्हाइल ही वॉज आउट इन द कैनॉय। मंकीज, शी रिटॉर्टेड indignantly when I laughed at the sight of him wearing it. can get sunstroke through. यहाँ पर डोरथी क्या करती है कि वो उसको एक फ्लॉपी सनबोनेट उसको जो है वो देती है। आपको मैं पीछे पिक्चर में दिखाती हूँ, इसकी बात हो रही है। ये जो बाबून ने जो है, ये जो लावल ने जो पहनी हुई है टोपी, इसके बारे में बात होती है कि डोरथी जो होती है वो इसको एक बहुत ही एक अच्छे से जो है वो टोपी लेकर देती है। और इसी के बारे में बात हो रही है कि जब वो इसको देती है मंकीज को, तो क्या होता है, ये बहुत ही शदीद गुस्से में आ जाते हैं। और फिर जब वो ख़ुद उसको पहन कर दिखाती है तो ये उसके पहनने पर फिर हंसता है और कहता है सूरज का हमला भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द बॉनेट वॉज अ लेमन कलर थिंग विद फ्रिली एजिंग एंड अ ब्लू फॉरगेट मी
नॉट मोटिव विद पिंक रिबन्स दैट टाइट अंडर हिज चिन। ये उसी कैप के बारे में बात हो रही है कि वो किस कलर का था, लेमन कलर का था, और उसके जो है फ्रिल वगैरह, उसके जो किनारे थे उसके ऊपर फ्रिल लगी हुई है, और वो कौन सा कलर था, और उसने किस तरह से उसके नीचे जो थे वो पिंक रिबन लगे हुए थे जिसको उसने थोड़ी से बांधा हुआ था। ही लुक्ड लुडिक्यूरस बट वेरी स्मग इन इट, और वो बहुत ही मजाक का खेज लग रहा था और इसमें स्मग भी था। एंड ही ऑब्वियसली थ्रो ही वॉज द कैट्स विस्कर्स व्हेन ही हैड इट। अब यहाँ पर वो सारे वो कैप का वो बताते हैं कि किस तरह से थी वो, कैसा लग रहा था, लेकिन इसमें जो था वो एक बहुत ही स्मग था, और वाज़े तौर पर सोचा जाता था कि जब बिल्ली चल रही है तो वो बिल्ली की सरगोशियों में से है। पैराग्राफ 5 है, नो वन कैन से श्योर वेदर इज प्रेजेंस, और ये कोई भी यकीनी तौर पर नहीं कह सकता था कि आया लेवल जो है वो क्या है, अपनी मौजूदगी से देहातियों के लिए जो है वो एक लक लेकर आया, एक खुशकिस्मती लेकर आया है। But on the only two occasions, लेकिन सिर्फ दो मौक़ों पर, on which I went out in a canoe containing Lovell, we returned laden. लेकिन सिर्फ क्या है वो कहते हैं वो बहुत ही यानी देहातियों के लिए तो वो खुशकिस्मती लेकर आया था, लेकिन सिर्फ दो ही मौक़ों पर जिसमें Lovell पर मुश्तमिल canoe में निकला, तो उसमें क्या होते थे हम लेडन यानी लेडन कहते हैं लदे हुए हम जो थे वो वापस आते थे, तो इस लिहाज से जो है वो लेवल को खुशकिस्मती गांव वालों के लिए समझा जाता था कि जब भी वो आते हैं तो वो लदा हुआ होता है। लेवल वाज एन ऑनर्ड गेस्ट एट द विलेज, लेवल जो था वो अब गेस्ट जो था एक बहुत ही यानी कि मेहमान तसव्वुर किया जाता था, एक बहुत ही इज्जत दी जाती थी उसको, ट्रीटेड लाइक अ किंग, और उसके साथ एक बादशाह जैसा सलूक किया जाता था। एन एकोलेट यानी जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाती हो, अब उसको बहुत ही इज्जत एहतराम जो है और बहुत ही एक बादशाह की तरह उसके साथ सलूक किया जाता था। सर्टेनली नेवर बेस्ट ऑफ इट अपॉन हिम एनीवेयर एल्स दैट आई न्यू ऑफ हिम आई न्यू ऑफ, तो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ उसका इस तरह से जो है कभी भी किसी जगह तारीफ नहीं की गई जिसका मुझे इल्म है। He was respected there. यहाँ पर उसको इज्जत दी गई थी, and in return और बदले में he gave them respect by his exemplary behavior. उसने अपने बेमिसाल ही उसने जो है एक बिहेवियर जो है उसने इज्जत दी और बहुत ही अच्छा तर्ज अमल से उनको इज्जत बख्शी। जैसे यानी कि गांव के लोगों ने भी अगर उसे इज्जत दी थी तो उसने भी बहुत अच्छा अपना बिहेवियर शो किया और बहुत ही अपना एक मिसाल ही उसने तर्ज अमल उनको दिखाया। Perhaps there is a moral there somewhere for all of us. शायद इसमें जो है हम सब के लिए कोई इखलाकियात जो है वो मौजूद हैं, और स्टूडेंट्स ये वोकैबुलरी है इसका भी मैं आपको करवा देती हूँ। ओके, तो आपने विद लेड पेंसिल इसके साथ जो है ना फिर मैचिंग करनी है। वेंचरिंग कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना, दिस इज अ कॉलम ए एंड दिस इज अ कॉलम बी, ओके यू विल मैच विद द कॉलम ए विद कॉलम बी। वेंचरिंग का आएगा डेयरिंग टू एक्सप्लोर इन इट इंस्टिंक्टिव एंड मार्किनेस, नंबर 3 है तो आपने इसके साथ ही नंबर 3 ही नंबरिंग यही देनी होगी। डार्कनेस पेट्रीफाइड कहते हैं खौफ ज़्यादा टेरीफाइड, ओके टीमिंग नंबर 5 स्वामिंग बेट लोर एंड एम्बेडेड, नंबर 7 फिक्स्ड एंड रिटॉर्टेड, नंबर 8 आंसर शार्पली लॉडिक्यूरस रेडिक्यूलियस, ओके एग्जाम्पलेरी नंबर 10 दिस इज नंबर 10 एग्जाम्पलेरी मीन परफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स अगर ये आप लोगों ने पढ़ना है और इसको याद करना है अच्छे तरीके से, ओके आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसमें जो है फिशिंग बाबून की क्या स्टोरी है और किस तरह से है, और उसका पहले कैसा अमल था बाद में कैसे हो जाता है। तो अगर आपको कुछ भी इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या कुछ भी हो या मेरा कोई मेरे बारे में कोई सजेशन देनी हो तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं फिर उसी को अपनी जो है इस्लाह कर सकूँ। ठीक है बेटा, ओके अल्लाह हाफिज़। और अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी बहुत जल्द आपको कर देती हूँ।